Hello everyone, welcome back to my channel Study with Anushka. In this video, I'm going to tell you about myself, my age, my college, my schooling, my hometown, am I living in Delhi for my preparations, all the things about myself. So let's get started. और आज का vlog कोई basically study vlog नहीं है friends. Basically this vlog can be known as introduction vlog, right? Because I'm going to tell you about myself. सो ऑफकोर्स ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है एंड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसके रिगार्डिंग कि दीदी अपने बारे में बताओ, बहुत बताओ, मतलब आपका कॉलेज कहाँ था, कैसे हुआ, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आपकी एज क्या है, आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए, सो मेनी क्वेश्चंस, सो मेनी कमेंट्स वर देयर. सो आई थॉट चलो आज इन सबका आंसर कर ही देते हैं, बिकॉज जैसे जैसे न्यू लोग एडअप होते हैं ना तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ हम दीदी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर ये करती क्या है, इनका घर कहाँ है, ये कहाँ से तैयारी कर रही हैं, लेकिन इन्होंने कितने अटेम्प्ट दिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं. आई रियली रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड योर क्यूरियोसिटी, सो व्हाई टू वेट मोर, लेट्स गेट स्टार्टेड. द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दैट इज़ माई होम टाउन, मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ. सो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं प्रयागराज से हूँ और प्रयागराज एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, एंड यूपी कौन नहीं जानता, राइट? तो मैं यूपी से हूँ, प्रयागराज से. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट माई कॉलेज, कि मेरा कॉलेज कहाँ है, मैं किस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हूँ या फिर मैंने कर लिया है. लाइक देयर वॉज यू नो मैनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मैं क्या करती हूँ, मैं प्रिपरेशन के साथ क्या जॉब भी कर रही हूँ, तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन था. तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, जस्ट अभी एक हफ्ते पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है. लाइक 3 ईयर का कोर्स होता है ग्रेजुएशन, आई कम्प्लीटेड दैट. सो मेरा कॉलेज कम्प्लीट हो चुका है. ओके, एंड येस मेरा कॉलेज कौन सा है, तो मैं प्रयागराज की हूँ, लाइक जस्ट नाउ आई टोल्ड यू. तो मैंने अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किया है और अलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज में ही, अलाहाबाद में ही है, तो मेरे लिए वो काफ़ी इजी रहा है कि मतलब मैंने कर लिया सारी चीज़ें. और मैं बाहर क्यों नहीं गई पढ़ाई के लिए अपनी, मैं दिल्ली क्यों नहीं गई या फिर कहीं और क्यों नहीं गई, सो फ्रेंड्स इसका ये आंसर है कि मैं ना हमेशा से ही, जब मैंने 12th कम्प्लीट किया था ना, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, मैं जो करूँगी घर से रह के करूँगी. एंड फॉर ग्रेजुएशन भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में सोचा था, बट इतना नहीं, मुझे लगा था नहीं मुझे घर से ही करना है, फिर चाहे जो हो जाए. क्योंकि फ्रेंड्स देखो, वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सबके घर के कंडीशंस एंड यू नो हम सब लोग की लाइफ अलग है, हम लोग के जो भी सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेज है लाइफ के अलग है. और मेरे केस में क्या था ना कि बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब मम्मी पापा की तबीयत भी नहीं ठीक रहती थी व्हेन आई वाज इन 12th, तो आई थॉट नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी मम्मी पापा को छोड़ के, एंड इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं घर में रहूँगी. और कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं बाहर कहीं अकेले रह लूँगी. आई रियली होप आप समझ रहे होगे, मतलब मैं नहीं, मतलब बहुत, मतलब मैं हमेशा फैमिली के साथ रही हूँ, मम्मी के साथ, तो मेरा ऐसा था कि नहीं मैं अकेले नहीं रह सकती, मतलब एक टाइप का मुझे डर सा लगता है, इस वजह से मैंने यही चूज़ किया कि मैं घर में ही रहूँ. ओके, सो नाउ माई एज, मेरी एज कितनी है, बिकॉज इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता रहता है. और देखो मैंने ना अभी तक यूपीएससी का एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया है, साथ के साथ मैं इस क्वेश्चन का भी जवाब दे रही हूँ कि यूपीएससी के कितने अटैम्प्ट दिए हैं, मैंने तो एक भी नहीं दिए हैं. सो नाउ यू कैन गेस कि मेरी एज कितनी होगी. आई रियली होप कि आपने गेस कर लिया होगा. एंड येस नेक्स्ट ईयर आई विल बी गिविंग एग्जाम, तो आप गेस कर लो. एंड गेस करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एग्जैक्ट एज मेरी कितनी है, क्योंकि मैंने सब कुछ तो आपको बता दिया कि अभी तक अटैम्प्ट दिया नहीं है, नेक्स्ट ईयर फर्स्ट अटैम्प्ट दूंगी. तो एज मेरी मुझे आप लोग बताओगे. नाउ नेक्स्ट इज़ माई प्लान बी, मेरा प्लान बी क्या है, ये भी बहुत सारे कमेंट्स में मतलब क्वेश्चंस थे, लोगों ने पूछे हैं कि मैं यूपीएससी के साथ साथ क्या कुछ और मेरा बैकअप प्लान है, कुछ और है मेरा. तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, ऐसा नहीं है, मेरा प्लान बी नहीं है, इवन मैंने प्लान बी के बारे में सोचा भी नहीं है. क्योंकि अगर मैं खुद के सामने ऑप्शन रख दूँगी ना कि ये लो तुम ये नहीं करना तो ये कर लेना, तो मुझे जो मेन जहाँ पे फोकस करना है वहाँ से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी, और मतलब जो मेरा ड्रीम है मेन, मैं उसको तो भूल ही जाऊँगी जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो हैविंग ऑप्शंस. अगर मैंने ऑप्शंस रख लिया तो ऐसा होता नहीं है कि आप, अगर आपके पास अगर ऑप्शन होता है तो आपको कुछ बड़ा चाहिए बट फिर भी आपको छोटा वाला मिल रहा है, तो यू विल बी लाइक चलो ठीक है कुछ तो मिल रहा है. और यही चीज़ गलत होती है. देखो सबका केस ना अलग अलग होता है. मैं प्लान बी रखूँ भी तो फ्रेंड्स क्या रखूँ, बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन आपको पता है पॉलिटिकल साइंस में हुआ है. सो मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो नाउ यू कैन इमेजिन, ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई IIT कर रखा है या फिर कुछ और कर रखा है कि मैं कोई जॉब कर लूँगी अगर UPSC नहीं हुआ तो. एंड कहीं ना मेरे साथ, मैंने खुद के साथ ये चीज़ सिचुएशन रखी है कि नहीं तुम्हें करना है तो यही करना है, जस्ट टू मेक माई एफर्ट्स यू नो 100%, कि मैं 100% दूँ अपना, कि मेरे पास बस एक ही चीज़ रहेगी कि नहीं बस यही करना है, बस यही करना है. बिकॉज वही बात है ना, ऑप्शंस आए फिर हम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. एंड येस
अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं UPSC के साथ साथ एक और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही हूँ, वो है UPPCS, स्टेट PCS की भी तैयारी कर रही हूँ मैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, मेरा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो मैं ना मतलब ऐसा मैंने सोच के रखा है कि हाँ मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी, बट अब एकदम ही नहीं कि डाइवर्स फील्ड का कुछ ले लूँ लाइक SSC, CGL, मतलब और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं फ्रेंड्स, वन डे एग्ज़ाम बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैंने UPSC चुना एंड साथ के साथ उसके साथ UPPCS को चुना लाइक स्टेट PCS, ताकि ना क्योंकि आपको पता है सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है UPPCS और UPSC की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मेरा दोनों चीज़ें हो जाएंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें यू नो डिफरेंट हैं, वो चीज़ें हो जाएंगी मैनेजमेंट के साथ, इसलिए मेरा प्लान भी अभी के लिए तो कुछ नहीं है और बस UPSC या UPPCS ही मेरा फोकस है। इन शॉर्ट ओनली गवर्नमेंट एग्ज़ाम, बिकॉज क्लास 7 से मैं यू नो इन्हीं एग्ज़ाम के बारे में सोच के 12th पूरा किया मैंने, और अब जब करने की बारी है तो फिर मैं किसी और चीज़ को यू नो इम्पोर्टेंस नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मेरे लिए बस गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही सब कुछ है, दैट्स इट। एंड आई रियली होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस कवर अप कर दिए हैं, फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट कर देना, आई विल यू नो रिप्लाई देयर। और यस, अभी यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हो तो आई रियली गेस कि आप मेरे रियल सब्सक्राइबर हो, रियल व्यूअर, आप कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्टेड हो चुके हो और मैं भी हूँ कनेक्टेड ऑफ कोर्स, तभी तो आपके लिए डेली वीडियोज़ ले आती हूँ। मेहनत लगती है फ्रेंड्स, बट ये लगता है ना कि नहीं आपसे बातें करनी है। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अभी तक वीडियो देख रहे हो तो, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करना, कमेंट भी कर देना। आज ना मेरे जितने भी रियल सब्सक्राइबर है, जिस मुझे सच में यू नो जानते हैं, मेरे को समझते हैं, जो हमेशा दीदी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग दीदी करके कोई भी चीज़ पूछते हो या बताते हो, सजेशन देते हो, तो आज आपके लिए मैं कह रही हूँ कि जितने भी लोग मुझे दिल से मानते हो ना, दिल से मतलब सुनते हो, समझते हो, मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हो, तो आज कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट ज़रूर देना। आई रियली होप, और मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का, मुझे आज रेड हार्ट चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है? और ये मैं बहुत ही रो हक से कह रही हूँ, बिकॉज दिस थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आज रेड हार्ट ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि देखो डेली देख लिया करो पर चलेगा, बट आज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आई होप मैंने सारा कुछ कवर अप कर दिया है, कॉलेज, होम टाउन, एज, UPSC में कितने अटेम्प्ट दिया, दिल्ली में रह रही हूँ या फिर घर में रह रही हूँ, सब कुछ कवर अप कर दिया। फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट ज़रूर कर देना अपना क्वेश्चन। एंड ये आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मिलती हूँ कल।